जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे हाईवे सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का भी काफी बड़ा हाथ होता है, स्पेशली बीओटी ऑपरेशन में। यहाँ पर प्राइवेट ऑपरेटर्स पहले बिल्ड करते हैं, फिर उसे ऑपरेट करते हैं कुछ सालों तक। देन उसके बाद जब इनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिकवर हो गई प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद, इसे फाइनली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। सेम इसी तरह की पॉलिसी अब रेलवे मिनिस्टर भी लाना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल अब हाल ही में यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ इसी तरह के प्लान के बारे में डिस्कस किया है विद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में ये ट्यूजडे को मीटिंग की गई थी। यहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि अब वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करेंगे कि वो भी पटरियां बिछा सकते हैं, लाइंस बिछा सकते हैं, और फिर उससे वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं थ्रू ट्रेन ऑपरेशन। वैसे आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे, और यहाँ पर इन्होंने काफी सारे इश्यूज पर भी फोकस किए हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब आपको तो सब पता ही है कि भारत में एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिलना एक काफी जंग से कम नहीं है। फिर लैंड अवेलेबिलिटी भी एक काफी बड़ा इश्यू बन चुका है, बिकॉज इसके चलते अक्सर काफी बार लैंड न अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये भी एक काफी बड़ा इश्यू है। बुलेट ट्रेन के मामले में तो सभी को पता है कि कितना ज्यादा डिले हो चुका है ये प्रोजेक्ट। तो इन सब पर भी कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए, इन सब पर भी फोकस ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इससे कोई आने वाले समय में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़ जाए। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि रेलवे मिनिस्टर वैष्णव जी ने काफी सारी इंपॉर्टेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल मॉडल पर भी फोकस किया है फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि हाईवे मिनिस्टर के साथ हम कोऑर्डिनेट करके अब हम रेलवे लाइंस को बिछाएंगे। दैट मीन्स सीधे सीधे कहे तो अब उन्होंने कुछ फिजिबिलिटी वर्क करने को कह दिए हैं। यहाँ पर कुछ फिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की जाएंगी कि जहाँ पर हमारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं उसी के साइड में यहाँ पर रेलवे लाइंस को भी ले कर सकते हैं क्या, बिकॉज ऑलरेडी वो लैंड तो एक्वायर कर ही लिया गया है फॉर हाईवे, तो इसके चलते प्रोजेक्ट काफी हद तक वायबल बन जाता है। सो ये भी एक काफी अच्छा नया कंसेप्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी, और साथ ही में फिर जो लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये जो सारी क्लियरेंस हमें चाहिए होते हैं एक ही बार चाहिए होंगे फॉर बोथ दी प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब यहाँ पर सबसे मजे की बात ये है कि कौन से प्राइवेट ऑपरेटर्स इस तरह के रेलवे लाइंस बिछाने और साथ ही में उसमें अपनी ट्रेन्स चलाने में इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज पास्ट में एक्सपीरियंस थोड़ा काफी ज्यादा खराब रहा है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।